स्मृति ईरानी पर मोदी लगा सकते हैं गुजरात की सीएम की मोहर। चुनावों के रिजल्ट आने के बाद से ही एक सवाल सबके दिमाग में है कि गुजरात का सीएम अब कौन होगा। जैसे कि आपको पता ही है, एक और बार गुजरात में कमल भी खिल चुका है। कौन होगा अब गुजरात का अगला सीएम? गुजरात को कौन पहुंचाएगा विकास की सीढ़ियों तक? जी हाँ, भले ही देश के पीएम मोदी ने नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में कमल खिला दिया हो, लेकिन राहुल के तीखे तेवरों के आगे बीजेपी की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई है। भले ही बीजेपी छठी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई हो, लेकिन अपने ही राज्य में बेहद कम ही मार्जिन से जीती है। ऐसे में बीजेपी गुजरात का सीएम बदल सकती है। गौरतलब है कि पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो गुजरात में मोदी की लोकप्रियता की बराबरी भले ही ना कर पाए, लेकिन सूबे में पीएम ने जिस विकास का भरोसा दिलाया है उसे पूरा कर सके। ऐसे में सबसे पहले नाम आ रहा है कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी न सिर्फ गुजरात भाषा की जानकार मानी जाती है, बल्कि पीएम मोदी की करीबी मंत्रियों में से एक भी मानी जाती है। ऐसे में खबरें आ रही है कि स्मृति ईरानी को गुजरात की कमान सौंपी जा सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग पर स्पीकिंग के राज्य मंत्री मनसुख मांडवीय का नाम भी है, जो पाटीदार होने के साथ साथ किसान और जमीन से जुड़े नेताओं में भी शामिल हैं। दूसरी तरफ बाजू भाई वाला का नाम भी सामने आ रहा है। शास्त्रीय समाज में से आने वाले बाजू भाई फिलहाल कर्नाटक के गवर्नर हैं। फिलहाल ये जानना दिलचस्प होगा गुजरात की सीएम रेस में कौन बाजी मारेगा। ये थी एसएन न्यूज की रिपोर्ट।